हेलो माय नियर एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल हेमू आर्ट में। आज हम करने वाले हैं नेचुरल पेंटिंग में लैंडस्केप प्राकृतिक पेंटिंग का एक छोटा सा व्यू मैं आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूँ, पेंट करने वाला हूँ। अगर आपको पेंटिंग पसंद आती है तो इस पेंटिंग को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उससे पहले अगर आपको मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा उसके सब्जेक्ट में, आप मुझे बताएं कि सजेशन लेना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं दो तरह की पेंटिंग मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, एक तो लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट। तो इन दोनों में से आपको कौन सी पेंटिंग ज़्यादा बेटर लगती है और किस पेंटिंग में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो दोनों का मुझे सजेशन कमेंट सेक्शन में आप राइट करें कि आपको दोनों में से कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, पोर्ट्रेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर लैंडस्केप ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे क्या है कि मुझे और पेंटिंग करने में ईजियर रहेगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या ज़्यादा पसंद है, उस हिसाब से आपको भी ऑडियंस को खुश करना ही मेरा एम है और आप लोगों को मैं खुश रखूं हमेशा और आप लोग मेरे चैनल को विजिट करते रहें, यही मैं चाहता हूं। तो मुझे विजिट करें और दूसरा कि अगर आपको पेंटिंग पसंद आती है तो पेंटिंग को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको अगर आप नए हैं तो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग पेंटिंग मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, आप लोगों को सिखाता रहता हूँ और सिखाना ही मेरा मकसद है। बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं सर आप सिखाते हैं सिखाते हैं, मैं धीरे धीरे एक के बाद एक ट्यूटोरियल डालता रहता हूँ, क्योंकि ऑयल पेंटिंग के ट्यूटोरियल थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं जितना हो सके आपको इजियर फॉर्म में सिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे आप ये बता सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मैं उसको सॉल्व करने का पूरा पूरा कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जो कलर यूज़ किया है उसमें ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला करके मैंने इस कलर को बनाया है, एक इफ़ेक्ट दिया है यहाँ पे स्काई का और बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जहाँ पे एंडिंग है क्लाउड की वहाँ पे थोड़ा येलो की फॉर्म दी है, रेड येलो की, ये रेड कम है उसमें येलो ज़्यादा है थोड़ा सा। और सूरज के जहाँ पे गैप है जहाँ पे बादल नहीं है वहाँ पे स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया, थोड़ा सा ब्लैक मिला के। अब मैं जो एंडिंग पॉइंट है क्लाउड के वहाँ पे वाइट का थोड़ा शेड दे रहा हूँ। नीचे जिस कलर का मैंने स्काई बनाया उसी कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिला करके थोड़ा चेंज करके मैंने यहाँ पे नदी का कलर बनाया और नीचे ब्राउन और ग्रीन का थोड़ा कॉम्बिनेशन करके ब्लैक का नीचे की जो घास का बेस बना रहा हूँ इसके ऊपर पे हाईलाइट करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे क्लाउड की हाईलाइटिंग कर रहा हूँ वाइट थोड़ा सा ऊपर दे करके। इससे क्या है कि पेंटिंग में और थोड़ा नेचुरल फॉर्म आ जाता है, अच्छी दिखाई देती पेंटिंग। इससे जितना ज़्यादा डिटेलिंग वर्क करेंगे उतना ही अच्छा हमारे पेंटिंग का जो है स्वरूप बाहर की तरफ निकलता है। अब यहाँ पे पानी में हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जो कलर से मैंने नदी बनाई थी उसी में थोड़ा सा वाइट मिला करके यहाँ पे लहरों का शेड दे रहा हूँ। अब इसको ब्लेंड करूँगा मैं, इसे नहीं छोड़ूंगा। ब्लेंडिंग से क्या है कि कलर मिक्स हो जाता है अच्छे से, कर दिया मैंने ब्लेंडिंग। एक बार फिर से कर रहा हूँ वही वाला जो मैंने किया। और यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा जहाँ पे सूरज की लाइट ज़्यादा दिख रही है सनलाइट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा किया है। अब यहाँ पे ब्राउन कलर से मैं ब्रांचेस बना रहा हूँ ट्री के। ब्राउन कलर आपको बनाना आता ही होगा, नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं कैसे बनता है, बताऊँगा मैं आपको। अब यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट बाद में, पहले ग्रीन डार्क थोड़ा सा लाइट ग्रीन से मैं घास बनाने के बाद उसके ऊपर वाइट मिला कर उसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसी ग्रीन में थोड़ा सा। अब पेड़ की पत्तियों से शुरुआत करी यहाँ पे, पेड़ की पत्तियों से शुरुआत हुई है, इन पत्तियों के बाद इन पर भी जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। ये पेड़ थोड़ा अलग टाइप का है और पेड़ की पत्तियाँ रेंडमली बनती है, ये बात ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल एक एक पत्तियाँ नहीं बना सकते हैं पेड़ की, रेंडमली पेड़ की पत्तियाँ बनानी पड़ेगी आपको, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी आप उसका डायरेक्शन में बनाए तभी वो नेचुरल फॉर्म दिखती है। तो उसके बाद मैं पत्तियों को हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ
लाइट रिफ्लेक्शन है वहाँ पे, ताकि पेड़ में थोड़ा और अच्छा लुक आए बाहर की तरफ। अब आप सूर्य और क्लाउड को देख सकते हो, सन और क्लाउड को किस तरीके के यहाँ पे दिखाई दे रहे, पानी का रिफ्लेक्शन भी देख सकते, घास देख सकते हैं आप। तो पूरी नेचुरल पेंटिंग बना दी है मैंने, इसमें अगर आपको कमी दिख रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, और आपको अगर सीखना हो तो भी मुझे बता सकते हैं, मैं ऐसे ट्यूटोरियल भी आपके बना आपके लिए बनाऊंगा। अब टेपिंग मास्किंग टेप को निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको निकालने के बाद एक परफेक्ट जो फ्रेमिंग लुक आता है, तो आप लास्ट लुक देख सकते हैं, सिनेमेटिक शॉट। तो कैसे लगी आपको पेंटिंग माय फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, पेंटिंग लाइक करनी है, और पेंटिंग नहीं सॉरी वीडियो लाइक करना है आपको, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग मैं आपके लिए लाता रहूँगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल फ्रेंड्स बाय।